हाय फ्रेंड, मैं हूँ सजदा और आज मैं आपसे कुछ खास बातें शेयर करना चाहती हूँ। स्पॉटलेस इवेंटोन स्किन की चाहत हर इंसान को होती है। इसके लिए लोग हजारों ही नहीं बल्कि लाखों रुपए खर्च करते हैं, जैसे केमिकल पीलिंग कराना, लेजर ट्रीटमेंट कराना। ये सारे ट्रीटमेंट वही करा पाते हैं जिनके पास रुपए की कमी ना हो। तो क्या जिनके पास सिर्फ ज़्यादा पैसे हैं वे लोग ही बेदाग और निखरी त्वचा के मालिक हो सकते हैं? कम पैसे वाले लोग नहीं, जबकि ऐसा नहीं है, आप भी बेदाग और निखरी त्वचा पा सकते हैं। मैं एक जेल के बारे में जानती हूँ जिसका नाम है जिटकेयर एस सैलिसिलिक एसिड जेल। यह केमिकल एक्सफोलिएटर है। इसका कॉस्ट ओनली 170 रुपीज़ है। ये 1% वेट बाय वेट है। इसमें BHA है, यानी बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। ये स्टेरॉयड फ्री जेल है, सो इसके यूज से आप डरे नहीं। हम स्किन के अपर लेयर जो डेड हो चुके हैं उसे रिमूव करने के लिए स्क्रब करते हैं, जिससे हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलता है। और अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो स्क्रब करने से पिंपल्स और बढ़ जाते हैं, जबकि सैलिसिलिक एसिड जेल पिंपल्स प्रोन फेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। यह सिर्फ चेहरे के पिंपल्स को ही नहीं हटाता बल्कि पिंपल्स मार्क्स को भी पूरी तरह से हटा देता है। यह ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और पोर्स के प्रॉब्लम को भी दूर करता है। यह स्किन के डीप में जाकर काम करता है, स्किन के डेड सेल को रिमूव करता है जिससे स्किन रिजुविनेट होती है। इससे आपका फेस 2 से 3 टोन तक लाइटन हो जाएगा और चेहरे पर अलग ही चमक नज़र आएगा। जो लोग केमिकल पीलिंग या लेजर ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं या जो डर्मेट्स एफोर्ड नहीं करा पाते हैं वे लोग ही इस जेल को यूज करें, अदरवाइज ना करें। यह आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। इसे यूज करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि यह एक मेडिकेटेड जेल है इसलिए इसे आप रात में ही यूज करें। रात में सोने से पहले चेहरे को अच्छी तरह से किसी फेस वॉश से वॉश कर लें, चेहरे को अच्छी तरह से सूखने दें, उसके बाद इस जेल को चेहरे और नेक पर लगा लें। लिप और आँखों के एरिया में बिल्कुल ना लगाएं। अगर आपका ड्राई स्किन है तो इसे लगाने के 20 मिनट बाद कोई नाइट मॉइस्चराइजर या नाइट क्रीम लगा लें। जो लोग 20 से 30 ईयर के बीच में हैं वो इसे वीक में 3 बार ही यूज करें, और जो 30 प्लस है वो वीक में 4 बार यूज कर सकते हैं। और हाँ, इसका आप एक पैच टेस्ट जरूर लें। आपके चेहरे पर माइट पीलिंग होता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और हाँ, डे टाइम में सनस्क्रीन लगाना ना भूलें। आप इसे ज़रूर यूज करें और अपने चेहरे को पिंपल्स फ्री करें। मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय फ्रेंड।